अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक रिबन। मैं हूं मोहम्मद अल बाकर। और कैसे हैं आप लोग सब? लॉन्ग टाइम नो सी, है ना? क्या करें यार, बस कुछ काम में बिजी थे, आप लोगों के ला नहीं सके नए फोन्स की अनबॉक्सिंग और कुछ रिव्यूज। लेकिन कहते हैं ना, सबर का पल मीठा होता है, इसीलिए आप लोगों के लिए आज पेश खिदमत है स्पेशल Redmi Note 10 की अनबॉक्सिंग। यार ये फ़ोन Xiaomi की तरफ से अब तक का सबसे सस्ता तरीन AMOLED फ़ोन है, बल्कि Xiaomi क्या सारे ब्रांड में अब तक का सबसे सस्ता AMOLED फ़ोन Redmi Note 10 है। सिर्फ 31,000 में सुपर AMOLED फ़ोन कहाँ मिलता है? तो चलें ज़्यादा बोर नहीं करते, डायरेक्टली अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। लेकिन पहले अगर आप इस चैनल पर पहली मरतबा आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हम लोग इंस्टा पे भी है तो वहाँ भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यह है इसका बॉक्स। बॉक्स के फ्रंट पे Redmi Note 10 की इमेज बनी हुई है, साइड्स पे नोट की ब्रांडिंग, ऊपर PTA का स्टिकर, बैक पर वारंटी कार्ड और नीचे फ़ोन के इन्फो। हमारा आज का ये मॉडल 4GB 128GB वाला है और लेक ग्रीन कलर में है। चले जल्दी से टेक्सरात की प्लास्टिक सील को उतारते हैं और फिर Xiaomi की ऑफिशियल सील को कट करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही हमें सबसे पहले फोन मिलता है। उसके नीचे ये लिड है, जिसको खोलते कहां से है? यहां से। तो मिलता है हमें सिम इजेक्टर टूल, उसके अंदर कुछ मैनुअल्स हैं और सिलिकॉन केस, जिसकी क्वालिटी बस ठीक है, नॉर्मल TPU कवर है। फिर है जी टाइप सी केबल रेड इनर के साथ, और बॉक्स के साथ ही हमें मिलता है 33W का फास्ट चार्जर, जो इस प्राइस रेंज में सबसे फास्ट चार्जिंग फोन बना देता है इसे। चले अब फोन को अनरैप करते हैं। इसके रैप पर कुछ फोन्स की डिटेल्स लिखी हुई है तो वो चेक करते हैं। 6.43 AMOLED डॉट डिस्प्ले, 33W फास्ट चार्जिंग, स्नैपड्रैगन 678 और 48MP कैमरा। स्पेक्स तो ठीक लग रहे हैं। वाह यार, क्या कलर है और क्या डिजाइन, नाइस वर्क Xiaomi। चलें जल्दी से इसे सेटअप करते हैं 100x की स्पीड के साथ। एक मिनट, सिम ट्रे तो देख लें, फुल ड्यूल सिम सपोर्टेड है, नाइस। फिंगरप्रिंट काफी रिस्पॉन्सिव लग रहा है, फिर चेक करेंगे इसको। चले आगे बढ़ते हैं। हो गया रेडी। MIUI 12, नाइस। स्क्रीन को फुल ब्राइट करते हैं। Xiaomi ने मेंशन किया है कि इसमें 1100 निट्स तक की ब्राइटनेस जाती है मैक्स पे। नाइस, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है इसमें और कस्टमाइजेबल भी है, नाइस। Realme 7 Pro में ये ऑप्शन नहीं था। स्क्रीन की बात करते हैं तो 6.4 इंच फुल HD AMOLED डिस्प्ले है,
जो काफी अच्छा एक्सपीरियंस देता है फोन का, जिसकी पिक्सल डेंसिटी बनती है 409 ppi और ये आता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ। फ्रंट पर डॉट नॉच सेल्फी कैमरा कटआउट है, नीचे कुछ इतनी चिन है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेहतरीन होगा। बैक की बात करते हैं तो बैक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की है, जो लाइट कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। लेफ्ट पर एक सिम ट्रे है, ऊपर की तरफ एक IR ब्लास्टर, माइक्रोफोन और स्पीकर। साइड्स पर वॉल्यूम रॉकर, पावर बटन / फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस बार का ये फिंगरप्रिंट स्कैनर पिछले वालों से काफ़ी बेहतर है। फिंगरप्रिंट स्कैनर एक बटन के शेप में लेवल पर है, जिसे यूज़ करना काफ़ी अच्छा लगता है। बॉटम पर हेडफोन जैक, माइक्रोफोन, टाइप सी जैक और स्पीकर्स। ये फोन आपको स्टीरियो स्पीकर के मजे देगा बेशक। कैमरा की तरफ चलते हैं तो कैमरा बम्प काफी मिनिमल है, बहुत ही अच्छे से बैठ रहा है बॉडी पर और इतना हिंड्रेंस नहीं देता। इसमें 48 मेगापिक्सल का f1.8 वाइड एंगल लेंस है, 8 मेगापिक्सल का f2.2 अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का f2.4 मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का f2.4 डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। और फ्रंट सेल्फी की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का f2.5 वाइड एंगल लेंस डाला हुआ है। चलें कैमरा टेस्ट करते हैं। पहली नजर में तो काफी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले अल्ट्रा वाइड से क्लिक करते हैं, फिर नॉर्मल लेंस है और फिर 2x। क्वालिटी तो काफी अच्छी लग रही है, डिटेल्स काफी अच्छे से पिक किए हैं इसने। अल्ट्रा वाइड में भी सब्जेक्ट अच्छे से फोकस्ड है। डेप्थ सेंसर को चेक करते हैं, सब्जेक्ट अच्छे से डिटेक्ट किया है इसने। चलें सेल्फी टेस्ट भी कर लेते हैं। पोर्ट्रेट मोड में चेक करते हैं, पोर्ट्रेट मोड का प्रोसेस थोड़ा स्लो लगा, लेकिन वाह क्या कैप्चर किया है। नॉर्मल को भी चेक करते हैं, नाइस। 13 मेगापिक्सल का ये सेंसर काफी अच्छा है, बहुत अच्छे से पिक्चर्स क्लिक करता है। तो सच बात कहूं तो यार 31,000 में इससे अच्छा फोन कोई है ही नहीं। एमोलेड स्क्रीन इसकी बहुत अच्छी है, फुल HD डिस्प्ले है और ये नेटफ्लिक्स भी आपका फुल HD पे चलाता है। 48 मेगापिक्सल का ये कैमरा काफी अच्छी तरीके से तस्वीरें खींचता है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी भी बहुत अच्छा है। साथ साथ इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगी हुई है और 33 W की फास्ट चार्जिंग। 31,000 में इससे अच्छी चीज और क्या चाहिए आपको। बात रह गई चिपसेट की तो हाँ, स्नैपड्रैगन का ये 600 सीरीज का न्यू प्रोसेसर थोड़ा लैगी लगा मुझे, यूज करते वक्त भी फोन थोड़ा स्लो फील हो रहा था, लेकिन शायद Xiaomi की अपडेट आते ही ये प्रोसेसर इसके सॉफ्टवेयर के साथ अच्छे से मैच हो जाएगा और अच्छा चलना शुरू कर देगा। लेकिन बात एंड में वही आती है कि यार 31,000 में आप इससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ही जो है वो है एमोलेड स्क्रीन। एमोलेड स्क्रीन वाला फोन इस रेंज में कोई नहीं आता। ये फोन सही तरीके से वैल्यू फॉर मनी फोन है। इसी तरह के फोन को ही बजट फ्रेंडली फोन कहते हैं, जिसमें आपको अच्छे स्पेक्स मिले और प्राइस कम हो। आपका इस फोन के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम इसके रिव्यू में इसकी एक एक चीज चेक करेंगे, प्रोस से लेके एक एक कॉन, एक एक मैजिक कॉन और एक एक कॉन ऑफ द कॉप तक आपको चेक करके बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली मरतबा आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आखिर तक जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।